ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे खबर से, खबर नोएडा से, जहां गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने मेरठ में मार गिराया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मेरठ में यूपी एसटीएफ और अनिल दुजाना गैंग के बीच सीधी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अनिल दुजाना ढेर हो गया। आपको बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले वह जेल से रिहा हुआ था। जेल से रिहा होते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां दी। वहीं यूपी पुलिस ने दुजाना पर 75,000 रुपये का इनाम भी रखा था। ये जानकारी यूपी एसटीएफ प्रमुख आईपीएस अमिताभ एस की तरफ से सामने आई है। खबर आगरा से, जहां तहसील एतमादपुर की जनता कर्मठ और विकासशील प्रत्याशी चाहती है कि वहीं एतमाद तहसील में तेज धूप और गर्मी के चलते मतदान फीका दिखा। आपको बता दें कि आगरा जिले में करीब 42% मतदान हुआ है। वहीं सुरक्षा दृष्टि से बूथ पर पुलिसकर्मी सतर्क नजर आए। खबर गाजियाबाद से, जहां लोनी के गिरी मार्केट में मकान का छज्जा गिर गया। वहीं मलबे में दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आपको बता दें कि मकान का छज्जा जर्जर होने के कारण नीचे जा गिरा, जिससे छज्जे के नीचे धूप में बैठे पड़ोसी अनिरुद्ध की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को मलबे से बाहर निकाला। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर धार से, जहां जिले के कुक्षी में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु और 53वें दाई अल मुतलक सैयदना मुद्दल सफुद्दीन साहब का कुक्षी आगमन हुआ। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार मुंबई से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से सड़क यात्रा करते हुए उनका धार जिले से होते हुए कुक्षी तहसील में आगमन किया गया। तकरीबन 6 बजे कुक्षी के एक कचहरी चौक पहुंचे। इस अवसर पर कुक्षी तहसील के साथ साथ संपूर्ण जिले सब पड़ोसी जिलों में भी सामाजिक स्तर पर हर्ष फायरिंग का माहौल था। आज बोहरा समाज के धर्मगुरु खुशी में मना रहे हैं और आपने बात से लेकर खुशी तक आगमानी की है, क्या कुछ आपसे खुशी नजर आई बोहरा समाज? देखिए, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल साहब का आज आगमन प्रदेश में हुआ और धार जिले में आगमानी मैंने की। मैंने उनसे खबर राजधानी से, जहां कुख्यात गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हाल में तिहाड़ जेल में हत्या कर दी गई। वहीं राजधानी लखनऊ की सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी। बता दें कि इस पूरी वारदात का वीडियो सामने आया है। पूरी घटना जेल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस लाइन में महिला पुलिस कांस्टेबल के पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में अधिवक्ता के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़े गए हैं। जहां परिवार परामर्श केंद्र पुलिस ऑफिस में तैनात है महिला सिपाही का अपने पति से विवाद चल रहा। वहीं आपको बता दें कि महिला का पति आरपीएफ में तैनात है। वहीं डायल 112 की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। वहीं पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर कानपुर देहात से है, जहां भोगनीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 190 लीटर कच्ची शराब समेत एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। साथ ही युवक पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। कोतवाली भोगनीपुर के उदयपुर गाँव का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर एक बार फिर हमला बोला है। वहीं पत्रकारों के सवाल पर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा था कि अखिलेश 25 साल तक सत्ता में नहीं आएंगे। उसी का पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा कि आपने अपनी कुंडली दिखवाई थी, हार गए। कुंडली देखने वाला बदलना होगा, पिछड़े हो पिछड़े ही रहोगे। आपकी कुंडली में जी हजूरी है, अपने मुख्यमंत्री की कुंडली देख लो। अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखवा ली और हार गए आप? इसका मतलब जहां कुंडली दिखा रहे हो आप, वो कुंडली देखने वाला बदलना पड़ेगा आपको। और आपकी कुंडली में क्या है? बस यही जी हजूरी, पिछड़े हो पिछड़े रहोगे, अगलों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये जो कुंडली देखने की बात कर रहे हो, कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी की कुंडली देख लो।
जिसकी वजह से तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और जिस दिन कुंडली उनकी देखोगे तो जानते हो कैसा हिसाब किताब होगा, वो व्हील चेयर पे बैठा देंगे। पहले स्टूल पे बैठाया था, ये अगर कुंडली देखने गए अपने स्वार्थ में तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इन्हें व्हील चेयर पे बैठा, अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखवाए। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां शिवपुर थाना क्षेत्र के रोटी ढाबा के पास स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई है। वहीं इस दुर्घटना में सत्यम यादव उर्फ 26 वर्ष उर्फ बाबू और आदिल अहमद 27 वर्ष उर्फ लालू की मौत हो गई है। बता दें कि घटना की सूचना पर पहुंचे शिवपुर थाना प्रभारी ने दोनों मृतकों के शव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवाया है। खबर यूपी के बांदा से है, जहां सबम सिबुल का पाइप डालते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया है। बता दें कि सूचना पर सीओ सिटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई, जहां सीओ सिटी ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला देहात कोतवाली अंतर्गत पूर्वा का बताया जा रहा है। ये भरेदू पुरवा के कुछ लोग एक समर का हो रहा था, उसमें पाइप डाल रहे, ऊपर से पाइप तिरछा हो गया, 11,000 वोल्टेज की लाइन थी जिससे टच हो गया, करंट लगने के कारण भरेदू पुरवा ये राकेश की मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति घायल है, इसे हॉस्पिटल भेजा गया है, सबका मोर्चरी भेज दिया गया है, पंचायतनामा भरकर अपने कार्रवाई की। क्या सर कोई जाम भी हम लगा देगा? कुछ महिलाएं थी जाम की रोड के किनारे आ गई थी, समझा बुझा कर उन्हें हटा दिया। खबर बांदा से, जहां स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार को अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है। साथ ही उन्होंने बोला कि योगी और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, यदि विकास की रफ्तार तेज करनी है तो नगर पालिका के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाए। अपना उनका बैंक अकाउंट है, आज वह समय पूरा है, सभी का बैंक अकाउंट खोला हूँ, घर घर तक पानी पहुँचा रहा हूँ, सभी का पक्का मकान कर रहा हूँ, सभी को शौचालय दिया हूँ, सभी को बिजली का कनेक्शन, सभी को गैस का कनेक्शन, सभी को घर में भोजन दे रहा हूँ, यानी कोई भूखा ना सोए ना कोई भूखा मरे। ये आदरणीय मोदी जी योगी जी की जो योजनाएं हैं गरीब कल्याण, गरीब तक पहुँच रहे हैं, इसलिए गरीबों ने तय कर दिया और प्रदेशवासी इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ सभी नगर पालिका, सभी टाउन एरिया, सभी नगर निगम हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। क्या वजह है कि आपने भाजपा में सक्रिय अन्य महिलाओं को दरकिनार कर एक घरेलू महिला को दिखा दी? नहीं, सभी कार्यकर्ता ही तय करते हैं, टिकट टिकट हो नीचे से तय होता, ऊपर से बीजेपी में तय नहीं, कार्यकर्ता चिंतन करते हैं, कार्यकर्ता ही तय करते हैं, कार्यकर्ता ही टिकट देते हैं, ऊपर से टिकट अपना उनका बैंक है।